ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजर हाँ रुक करेंगे अगली खबर का। मुक्तसर विच खालिस्तानी नारे लिखे मिले ने SSP कंपलैक्स विच कंध ते ए नारे लिखे गए ते कंध ते लिखे गए देश विरोधी नारे। पुलिस ने खालिस्तानी नारियां नूं मिटा दिता है। इत्थे वेख्या जा सकदा है इत्थे तस्वीरां विच SSP कंपलैक्स की कंध ते इस तरह के नारे लिखे गए। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तो पहला भी कई मामले सूबे चो वख-वख थावां तो सामने आ चुके ने। कंध ते इस तरह देश विरोधी नारे लिखे गए ते सूबे की कानून व्यवस्था से भी इस लैके सवाल उठते हैं कि शरारती अंसर इस तरह के नारे लिख देंगे ने ते माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। मुक्तसर विच खालिस्तानी पक्षी इत्थे नारे लिखे गए SSP कंपलैक्स की कंध ते ये नारे लिखे गए खालिस्तान जिंदाबाद। इत्थे वेख्या जा सकता है ये नारे लिखे गए ते कंध ते देश विरोधी नारे लिखण तो बाद इत्थे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जिन्होंने इन्हां नारियां नूं मिटा दिता है। मुक्तसर विच खालिस्तानी नारे लिखे हुए मिले। दो तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हां। एक तस्वीर है कि जो नारे लिखे हुए सन ते दूजी तस्वीर है पुलिस दी टीम इत्थे इन्हां नारियां नूं मिटाउंदी हुई नज़र आ रही है तां जो कानून व्यवस्था सूबे दी ना विगड़े। लगातार माहौल खराब करन दीआं कोशिशां इस तरह दीआं नारे लिख के की जाती है पर इत्थे पुलिस मौके पर पहुंची तो ये खालिस्तानी नारे मिटा दिते। मुक्तसर तो ये तस्वीर सामने आईया ने सूबे के अमन कानून नू इत्थे भंग करन दी कोशिश लगातार शरारती अंसरां वालों की जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर किसने लिखे पर इत्थे माहौल खराब करन दी कोशिश जरूर की गई। SSP कंपलैक्स की कंध ते नारे लिखे गए तो अपने आप विच सरकारी इमारत ते इस तरह के नारे लिखे गए सवाल उठ रहे हैं। साढ़े सहयोगी कुलदीप रिणी जुड़ गए ने। कुलदीप, एक सरकारी इमारत की कंध ते इस तरह के नारे लिखे गए, आखिर की मैसेज इस तो पहुँचाना चाहते हैं जी? हाँ बिल्कुल, देखो ये जिले दे विच तीसरी घटना है और इस तो पहला BDPO दफ्तर मलोट की कंध के उत्ते अजे नारे लिखे गए थे। उस तो बाद सरकारी कॉलेज की कंध के उत्ते अजे नारे लिखे गए और हुण SSP दफ्तर की जी बैक साइड से कंध खेतों के नाल लगती है उत्थे अजे नारे लिखे गए। देखो जिहड़ा मोटिव हैगा वो इंज लगता है कितने ना कि सहम का माहौल जिहड़ा हैगा वो बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों के मुक्तसर च मेला माघी है और काफी रश जिहड़ा हैगा उस मेला माघी के उत्ते हुंदा हैगा, है ना। अलग अलग कॉन्फ्रेंसिज हुंदियां सब कुछ उत्ते जो धार्मिक ते सियासी समागम हुंदे ने और हर वारी जिहड़ा हैगा किसी ना किसी अजिही कंध नूं अजिही दीवार नूं चुनिया जांदा हैगा जो आम लोगों की नजर तो दूर होंगी है पर उसकी बाद सोशल मीडिया से वीडियो जी वायरल की जाती है कि असी इतने ये नारे लिखते तो उस तो बाद जो पता लगता कि उस तरह की कंध जो लभन की कोशिश की जाती जो सरकारी कॉलेज के भी अजिही कंध हुण जी SSP दफ्तर की कंध है किसी मुख रोड को नहीं लगती गई यह सिर्फ खेतों मतला हिस्सा जो SSP दफ्तर का लिखता उत्थे और जिस तो जोड़ा है कि ना कि भावना जी सामने आती है कि डर का माहौल जोड़ा है एक पैदा करने की जी कोशिश की जा रही है। कुलदीप, एक तरह नाल वंगारिया भी जा रहा है इत्थे। बिल्कुल जी बिल्कुल और यही वंगारी है एक तरह की क्योंकि बिल्कुल नारे लिख के उस तो बाद जी सोशल मीडिया के उत्ते वीडियो जी अपलोड कर दी जाती है कि देखो असी इस सरकारी इमारत से नारे लिखते तिने वारी सरकारी इमारत ही चुनिया गई जी। बिल्कुल हुण ये जांच का विषय कि आखिर ये नारे किसने लिखे तो क्यों सूबे का माहौल खराब करने की लगातार कोशिशां कीतियां जा रही ने। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप। तो चंडीगढ़ विच CM दे हैलीपैड नेड़ियों बंब मिलण दे मामले विच हुण मौके ते फौज दे जवान पहुँच चुके हैं। वैस्टर्न कमांड दी टीम मौके ते पहुँच चुकी है चंडी मंदिर तो ते बंब नूं नष्ट कीता जावेगा, नकारा कीता जावेगा इस बंब नूं। पुलिस ने अपने कब्जे विच ये बंब ले लिया। ये तस्वीर तुसीं वेख सकदे हो जो बीते दिनी बरामदगी हुई है अंब दे बाग तो ये बरामदगी हुई ते उस तो बाद बास्केट नाल इसनू कवर कर दिता गया उते मिट्टी दी बोरियां नाल इसनू कवर कर दिता गया क्योंकि जदों भी किसी बंब नू डिफ्यूज़ करना हुंदा तां इह प्रक्रिया हुंदी है। इस तरह कवर करके फिर किसी सेफ जगह ते ले जाके उते जाके डिफ्यूज़ किया जाता। साढ़े सहयोगी इस समय ग्राउंड ते मौजूद है, PTC न्यूज़ की टीम ग्राउंड ते पहुँच चुकी है। तो अंकुश, इस समय तक जो बंब नू नकारा करन दी कार्रवाई है कित्थे तक पहुँच चुकी है जी?
बिल्कुल नीलम, एक जड़ा जो कोई इस तरीके ना कोई बम मिलता है उसको डिफ्यूज करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है। यानी कि टीम पहुंची और उन्होंने आके नाल ही उसको डिफ्यूज करने का काम शुरू किया। हूँ यदा प्रोसैस हो रहा पूरी यदि सर्च इतने पहले की जा रही है, उस तो बाद एक पूरा इलाका बनाया जाएगा किमें इतने लजाया जाएगा। तस्वीर थोड़े ना असी लगातार साझिया कर रहे हैं कि वही हलचल इतने हूँ हो चुकी है। आर्मी के जोड़े ट्रक्स इतने पहुंचे ने, बॉम्ब स्क्वाड आर्मी का इतने पहुँच गया है, जोड़े आर्मी के सीनियर अफसर है वो इतने पहुँच गए ने। पूरा इतने एक जेकर गल करिए इतने एक जोड़ा इलाका उसको खाली करा दिता गया, पूरा कॉर्डन ऑफ इसको कराया जा रहा है। पूरा इलाका जोड़ा है उतो मीडिया को काफ़ी दूर किया जा रहा है। तो आर्मी के जोड़े जवान उन्होंने हूँ पूरा चार्ज ये तो ले लिया। चंडीगढ़ पुलिस जी है वो काफ़ी पिछे जोड़े है उन्होंने लगाया गया, अगे सिर्फ जोड़ा कमांड हैगी आर्मी के जवानों के कोल ही उसकी पूरी कमांड दी गई। तो इस वेले जेकर गल करिए आर्मी की पूरी टीम इतने पहुँच गई हैगी है वैसटर्न कमांड तो, पूरा इतने प्रोसैस जोड़ा आर्मी का वो चल रहा है, जोड़ा काफ़ी व्डा इसको कह सकते एक प्रोसैस हैगा, क्योंकि इतने पूरा एक कोरीडोर एक तरीके तैयार किया जाना है कि जितों इस बंब न काफ़ी सेफली लैके जाने, क्योंकि मूवमेंट के दौरान भी कोई किसी तरीके कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए या कुछ होर ना हो, काफ़ी सारी चीज़ा जी है काफ़ी सारे पहलू होंगे इस तरीके से जो बम मिलते तो वो देखे जा रहे हैं। तो इस वेले जेकर गल करिए तो इस वेले आर्मी के जवान देख सकते हो, नाल तुसी मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के भी जवान तुसी देख सकते हो, जो तुसी ब्लू जैकेट्स या ब्लू कोट के बीच देख रहे हो सीएम सिक्योरिटी के अफसर है जोड़े इतने इस वेले मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो भी तुसी देख रहे हो। लगातार जोड़ा मामला है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, क्योंकि ये जोड़ा इतों जोड़ा मुख्यमंत्री आवाज़ है वो दूरी बेहद घट है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। जे जेकर असी गूगल मैप की मैं अगर तुहानू इत्थे तस्वीर दसा कि इस वेले अगर असी इतों गूगल मैप के जरिए जाइए तो इतों महज 900 मीटर जोड़ा इतने आ रहा है। मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार जरा एक बार फोकस करे तो मैं तुहानू पूरा इतों दिखाना चाहवागा कि इतों की जी दूरी जी आ रही हैगी है महज जी सीएम हाउस की 900 मीटर की आ रही है। इतों सिर्फ 900 मीटर दूरी तो इतना सीएम हाउस हैगा, यानी तुसी सेंसिटिविटी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा यदि सेंसिटिविटी। थोड़ा जा इतने जोड़ा इंटरनेट का इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आस पास इलाका जोड़ा काफ़ी सेंसिटिव इलाका हैगा, तो इसलिए इतने जी थोड़ी जी नैटवर्क का थोड़ा इशू है। लेकिन इतने तो जेकर असी देख रहे महज ये वेख सकते हो कि इतों अगर घूम के जाइए तो पूरी अगर जोड़ा रोड है उसके जी 2.1 किलोमीटर दस रहा, लेकिन इतों बिल्कुल 700 मीटर दूरी पर जोड़ा है वो जोड़ा जोड़ा असी बार बार दस रहे कि हैलीपैड है वो हैलीपैड रजिंद्रा पार्क बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये नज़दीक हैगी, इसलिए यदि जी सेंसिटिविटी वो ज़्यादा बढ़ जाती हैगी है। तो इसीलिए सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बीफअप किया गया, तो इसीलिए जोड़ा लगातार इतने दोनों मुख्यमंत्रियों के जोड़े सीएम सुरक्षा के तैनात जोड़े जवान है वो इतने पहुँचे ने। लगातार असी अपने दर्शकों के नाल तस्वीर साझिया कर रहे हैं, इतने फायर ब्रिगेड भी इतने तैनात की गई, एंबूलेंस भी इतने तैनात की गई है ताकि अगर कोई इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती तो उस पहला ही जोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी कोश जे इंतजाम इतने किए गए हैं। सिविल डिफेंस जोड़े पीले जैकटा पा के कुछ जवानों को देख रहे हो, सिविल डिफेंस के वो जड़े अगर कही है तो कारकुन है वो भी इतने पूरी तरीके लगे हुए, पूरी इतने हर एक चीज़ में बड़ी माइन्यूटली तरीके इस प्रोसैस में पूरा करने की जी कोशिश है वो फौज तो चंडीगढ़ पुलिस वालों की जा रही है। जी जी अंकुश, जिवें चंडीगढ़ में ये बंब मिलया नया गाँव में, तो इस समय चंडीगढ़ प्रशासन तो कोई अधिकारी या फिर पंजाब प्रशासन तो कोई अधिकारी इतने मौजूद है? जी बिल्कुल, तुसी तस्वीर के बीच जो देख रहे हो एक एक बार दिखाव कि एक महिला जोड़े सीनियर अफसर है एस पी सिटी है श्रुति अरोड़ा जोड़े कि तुसी अपनी स्क्रीन के देख रहे हो, उन्होंने नाल जोड़े NDRF डिजास्टर मैनेजमेंट के जोड़े नोडल ऑफिसर है चंडीगढ़ प्रशासन के वो भी संजीव कोहली वो भी इतने मौजूद है। कल भी सब तो पहला वो इतने पहुंचे से, उस तो अलावा मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के तैनात जवान जोड़े वो इतने है, तो तमाम जोड़े सीनियर अधिकारी है वो लगातार इतने पहुँच रहे हैं। तो इस मामले की पूरी सेंसिटिविटी देखते हुए कि इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिता जा रहा, भावें कल AK पांडे वालों जो बयान दिता कि वो जरूर
ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟਲੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 500 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅੰਕੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? ਨੀਲਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੋਰਡਨ ਆਫ ਦੀ ਵੀ ਲੇਅਰਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਪੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਜੀਵ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸੀ ਦੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਕੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਮਾਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।